हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि आपको अपना यूपी स्कॉलरशिप का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो किस तरह से और कैसे फिल करना है, चाहे बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम बीएड एमएड एलएलबी बीएलएलबी बीटेक आईटीआई किसी भी कोर्स के आप स्टूडेंट्स हैं, बीएमएस एमबीबीएस सभी स्टूडेंट्स को इसी तरह से अपना फॉर्म फिल करना होता है। अगर अभी तक आपने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और आप नया ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करने वाली वीडियो देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना फॉर्म लॉगिन करना होता है, तो लॉगिन कैसे करना होता है ये भी आपको उसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे और आप मोबाइल में अगर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद ये जो थ्री लाइंस हैं इन पर आपको यहां पर क्लिक करना रहता है। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आपको सामने इस तरह से ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका होगा। रजिस्ट्रेशन सिर्फ आप कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद आपका तीसरा ऑप्शन आता है डिजी लॉकर से सत्यापन करें। इसकी वीडियो भी मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपको कोई समस्या आ रही है डिजी लॉकर से अपना फॉर्म वेरीफाई करने के लिए, सत्यापन करने के लिए, तो उसका 101% समाधान दे चुके हैं हम, और इसकी वीडियो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो के साथ में ही ये दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करने की वीडियो और डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन की वीडियो, ठीक है। 101% वाला सॉल्यूशन हम दे चुके हैं आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन हो जाएगा। उन दो वीडियो को देखने के बाद आप अपने फॉर्म को दोबारा इस तरह से लॉग इन कर लेंगे। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। अब आपको यहां पर क्लिक करना रहना होगा, ठीक है। अभी हम इस फॉर्म को फिल कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपको दोबारा से फॉर्म को फिल करके दिखाई देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आप इस वाले ऑप्शन पर आकर क्लिक करेंगे, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो फॉर्म है कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन होकर आ जाता है, जिसमें आपको सबसे पहले एजुकेशनल डिटेल्स फिल करना होती है। इसमें आपका पाठ्यक्रम का जो प्रकार है ये आपको फिल करना होगा। अगर फिल किया हुआ नहीं आ रहा है एडेड और गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये फिल किया हुआ नहीं आएगा, प्राइवेट कॉलेज में ऑटोमेटिकली फिल किया हुआ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में सारे कोर्सेज सेल्फ फाइनेंसेस में ही संचालित होते हैं। लेकिन एडेड और गवर्नमेंट कॉलेज में आपको अपने कॉलेज से पूछ कर फिल करना होगा कि आपका जो कोर्स है वो स्व वित्त पोषित है या फिर नियमित है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल सकते हैं, नियमित या स्व वित्त पोषित। तो ये चीज़ आपको अपने कॉलेज से पूछकर लिखना होगी, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है आपको अपना कोर्स यहां से सिलेक्ट कर लेना होगा। आप यहां क्लिक करेंगे पाठ्यक्रम का फिर नाम, तो जितने भी आपके कॉलेज में कोर्स चलते होंगे वो सारे कोर्स यहां पर आपको इस तरह से देखने के लिए मिल जाएंगे। हमारा जो कोर्स है उसे हमने यहां से सिलेक्ट कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने अगला आ जाता है वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच, ठीक है। पाठ्यक्रम यानी कि कोर्स के ब्रांच क्या है, तो आप जो ऊपर कोर्स सिलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहां से आपको अपनी ब्रांच सिलेक्ट कर लेनी होगी। यानी कि ये जो है ये स्ट्रीम वाइज रहती है, ठीक है। जैसे कि आर्ट स्ट्रीम हो गया, साइंस स्ट्रीम हो गया, ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहेगी। जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स या आर्ट में जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर आपकी ब्रांच रहेगी, उसे आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। ये आपको पता होगा कि हमारी ब्रांच कौन सी है, ठीक है। तो जैसे कि एमएससी हम कर रहे हैं तो एमएससी में हमारे जूलॉजी सब्जेक्ट है, तो हम यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर आ जाता है पाठ्यक्रम का वर्ष और अवधि, ठीक है। अगर आप प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप यहां पर एक लिख दीजिएगा। अगर आप सेकंड ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहां पर दो लिख दीजिएगा। अगर आप थर्ड ईयर में है तो आप यहां पर तीन लिख दीजिएगा, ठीक है। रिन्यूअल अगर आप फॉर्म को फिल करेंगे तो रिन्यूअल में आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं, ये ऑटोमेटिकली फिल किया हुआ आ जाएगा। और जो नीचे वाला ऑप्शन है ये फ्रेश हो या रिन्यूअल हो ये तो ऑटोमेटिकली फिल किया हुआ आ जाएगा। नीचे वाला जो ऑप्शन है वो आपके कोर्स की अवधि को बताता है, यानी कि पीरियड को बताता है, आपका जो कोर्स है वो कितनी ईयर का है। जैसे कि एमएससी 2 साल की होती है तो यहाँ 2 साल लिखा हुआ रहा है। अगर यही फॉर्म बीए का होता या फिर बीएससी का होता तो यहाँ पर 3 साल लिखा हुआ जाता है। इसी तरह से अगर ये फॉर्म बीटेक का होता तो यहाँ पर 4 साल लिखा हुआ जाता, ठीक है। अगर इसी तरह से ये फॉर्म बीएलएलबी का होता तो यहाँ पर 5 साल लिखा हुआ आ जाता। अगर आप उस कोर्स के सेकंड ईयर में होते तो आप यहाँ सेकंड लिख देते, यानी कि 2 बना देते ऊपर, और अगर आप थर्ड ईयर में होते तो ऊपर 3 बना देते। अब आप फर्स्ट ईयर में, जैसे हम एमएससी फर्स्ट ईयर में तो हमने 1 बना दिया ऊपर, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारी चीजें बिल्कुल आसानी से समझाएंगे और आपको समझ में आएगा। अब दोस्तों, अगला ऑप्शन आपके सामने रहता है लेक्चरल एंट्री का, ठीक है, कि आपका जो प्रवेश है वो लेक्चरल एंट्री के आधार पर हुआ है। लेक्चरल एंट्री का मतलब है कि आप किसी भी कोर्स में डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले लें, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसकी एलिजिबिलिटी कुछ और रहती है। अगर आप उस एलिजिबिलिटी को यहां पर पास कर जाते हैं तो वहां पर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है किसी भी कोर्स के सेकंड ईयर में। अगर आपने इस तरह से किसी भी कोर्स के सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लिया है, नया एडमिशन आपने फर्स्ट ईयर को छोड़ दिया, डायरेक्ट आपका सेकंड ईयर में एडमिशन हो चुका है, तो वहां पर, या फिर सेकंड ईयर कह लीजिए या सेकंड सेमेस्टर भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे एडमिशन लिया तो वो होता है लेक्चरल एंट्री। अगर आपने किसी भी कोर्स के प्रथम वर्ष में कॉलेज में एडमिशन लिया है, पढ़ाई की है वहां पर, तो वहां पर आपका एडमिशन लेक्चरल एंट्री के आधार पर नहीं हुआ है, तो इसीलिए हमने यहां पर नो सिलेक्ट कर दिया। हमें फर्स्ट ईयर में हमारा कोई भी लेक्चरल एंट्री के आधार पर एडमिशन नहीं हुआ है। ऐसे केसेस बहुत ही ज्यादा कम रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज आपको समझना है, अगर आपने किसी भी कोर्स के प्रथम वर्ष में कॉलेज में एडमिशन लिया है तो यहां पर आपको नो लिखना है, ठीक है। यहां पर 2 ऑप्शन होंगे, यस या नो, हमें नो सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद अगला ऑप्शन समझ लीजिए, आवासीय और दिवा छात्र वाला। अगर आप जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उस कॉलेज के अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है, अगर आप उस कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको आवासीय छात्र सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप उस कॉलेज के हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं, ठीक है, किसी भी दूसरी जगह रहते हैं या फिर आप अपने घर से पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो आपको दिवा छात्र यहां से सिलेक्ट कर लेना है। आवासीय छात्र के भी वही स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे जो उस कॉलेज के हॉस्टल में रहते होंगे जिस कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने है वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि। जैसे कि अभी आपने फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर में आपने जिस डेट को एडमिशन लिया होगा या ऑनलाइन
एडमिशन लिया होगा या फीस जमा की होगी उसकी एक स्लिप होगी आपके पास, उस पर आप देख लीजिए कि डेट क्या है लिखी हुई एडमिशन की, या फिर जो आपने फीस स्लिप होगी आपके पास फीस जमा की होगी उस डेट को आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष का हो गया, अब आप फर्स्ट ईयर में ही है तो प्रथम वर्ष में भी वही डेट डालेंगे, और वर्तमान पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र भी यही है जिस ईयर आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, अभी जो चल रहा है तो वो भी सेम रहेगा, तो इसलिए दोनों जगह आप सेम डेट को लिख देंगे, ठीक है। तो दोनों जगह सेम डेट को लिखने के बाद आपके सामने अगला ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन उससे पहले एक चीज और यहां पर समझ लीजिए, अगर आप सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में है तो ऊपर वाला जो ऑप्शन है वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, यहां पर जो आप डेट डालेंगे वो फर्स्ट ईयर की डालेंगे, फर्स्ट ईयर में जिस भी डेट में आपने एडमिशन लिया होगा वो डेट यहां पर लिख देंगे, और अभी आप अगर सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में तो सेकंड ईयर वाली डेट यहां लिखेंगे, या थर्ड ईयर में तो थर्ड ईयर की डेट यहां, फोर्थ ईयर में तो फोर्थ ईयर की डेट यहां पर लिख देंगे। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। बाकी अगला ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, विश्वविद्यालय बोर्ड में एफिलिएटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक, अगर आप सेकंड ईयर में किसी भी कोर्स के अंडरग्रेजुएट कोर्सेज की बात की जा रही है या थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में तो आपके पास यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर आपको मिल चुका होगा, उस एनरोलमेंट नंबर को आप यहां पर लिख देंगे। अगर आप किसी भी कोर्स के प्रथम वर्ष में अंडरग्रेजुएट कोर्सेज की बात कर रहे हैं हम यहां पर, ठीक है, तो आप यहां पर अप्लाइड फॉर लिख सकते हैं, ठीक है, अप्लाइड फॉर, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे अप्लाइड फॉर, या फिर आप लिख सकते हैं नॉट अवेलेबल, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन लिख दीजिए अगर आप प्रथम वर्ष में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आप लिख सकते हैं अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी कोर्स में कोई ऐसा कोर्स है जो पीजी कोर्सेज है, ठीक है, और आप ऑलरेडी इसी यूनिवर्सिटी के कॉलेज से या डायरेक्टली इस यूनिवर्सिटी से कोई यूजी कोर्स ऑलरेडी कर चुके हैं तो यूजी कोर्स में आपको एनरोलमेंट नंबर मिल चुका होगा, आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी कि यूजी कोर्स का ही जो एनरोलमेंट नंबर है उसे यूज कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे कि हमने यहाँ पर एमएससी का फॉर्म फिल किया है और हम प्रथम वर्ष स्टूडेंट्स हैं तो हमने यहां पर जो बीएससी वाला एनरोलमेंट नंबर है वो यहां पर लिख दिया, उससे आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। यूनिवर्सिटी का नाम आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहां पर अगला ऑप्शन आपका कि आप वेबसाइट पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों की मेरिट के आधार पर हुआ है, तो अगर आपका जो एडमिशन है, ठीक है, वो मेरिट बेस पर हुआ है जिसमें 12th क्लास की मेरिट के आधार पर एडमिशन होते हैं तो यहां पर आपको यस सेलेक्ट कर लेना है। अगर 12th क्लास की मेरिट के बेस पर एडमिशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो यहां पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहां पर बताया जा रहा है स्नातक की वो पाठ्यक्रम की पात्रता पूछी जा रही है, यानी कि जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है इस कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, जिसकी मान लीजिए आप एमएससी में एडमिशन ले रहे हैं तो एमएससी में एडमिशन के लिए आपका बीएससी कंप्लीट रहना चाहिए, और बीएससी होता है आपका स्नातक, बीएससी को क्या बोलते हैं, स्नातक बोलते हैं, अंडरग्रेजुएट कोर्स बोलते हैं, तो इसी तरह से आपको ये यहाँ पर जो पात्रता है वो सिलेक्ट कर लेना। जिसकी मान लीजिए आपने बीए में एडमिशन लिया है, ठीक है, बीए में एडमिशन लिया, बीए में एडमिशन के लिए आपका 12th क्लास पास होना जरूरी है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये फॉर्म बीए का है तो बीए में एडमिशन के लिए 12th क्लास पास होना जरूरी है, तो हम यहाँ पर 12th क्लास वाली जो पात्रता है वो सिलेक्ट करेंगे, 12th क्लास को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट, ठीक है, तो इस तरह से हम इंटरमीडिएट सिलेक्ट करेंगे। जिसके अगर आपने स्नातक में एडमिशन लिया तो स्नातक में एडमिशन के लिए इंटरमीडिएट की पात्रता सिलेक्ट की जाती है, इसी तरह से अगर आप परास्नातक में एडमिशन लिए तो परास्नातक में एडमिशन के लिए आपके पास स्नातक कोर्स होना जरूरी है, तो इस तरह से आप अपनी जो पात्रता है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जिसके हमने पीजी कोर्सेज यानी कि परास्नातक में एडमिशन लिया तो हमने स्नातक को जो पात्रता है वो सिलेक्ट कर लिया। अगला ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर पूछा जा रहा है कि आप वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश से यहां पर यूपीएससी एकेटीयू या फिर जेसी सीयूपी एनईटी नीट के माध्यम से एडमिशन हुआ है, तो अगर आपने किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को दिया है इनमें से, जो ये नाम लिखे हुए आ रहे हैं, इनमें से किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को दिया है, ठीक है, और आपका एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से हुआ है तो यहां पर आप यस सिलेक्ट कर लेंगे। यस सिलेक्ट करने के बाद यहां पर कई सारे ऑप्शंस आपके आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको अपना एंट्रेंस एग्जाम का नेम सुनना होगा, काउंसलिंग का नंबर या जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया उसका रोल नंबर यहां लिख देंगे, किस साल एंट्रेंस एग्जाम दिया उसका प्रवेश परीक्षा का वर्ष लिख देंगे, प्रवेश परीक्षा में आपको रैंक क्या प्राप्त हुई वो यहां पर नीचे लिखेंगे, और प्रवेश परीक्षा में प्राप्त कट ऑफ अंक वो आपको यहां पर लिख देना होगा। ये सारे एंट्रेंस एग्जाम डिटेल्स आपको फिल करना होगी, ठीक है। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया तो ऊपर नो सेलेक्ट कीजिए, झंझट से बच जाइए। उसके बाद यहां पर आपको इस कैप्चा कोड को लिख देना है और नीचे आपको इस वाले बॉक्स में एक बार टिक लगा देना है इस तरह से, और उसके बाद यहां सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आप अगले पेज पर आ जाएंगे, यहां पर आपको अपनी निजी यानी कि पर्सनल डिटेल्स फिल करना होगी, जैसे कि यहां पर आपको अपना आवासीय स्थायी पता यानी कि जो परमानेंट एड्रेस है वो फिल करना होगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो यहां पर रेजिडेंशियल एड्रेस से बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो दोनों जगह आपको सेम एड्रेस लिख देना है। अगर आपका पत्र व्यवहार का जो पता है वो अलग है और आवासीय पता अलग है, ठीक है, तो दोनों जगह आपको अलग अलग एड्रेस लिखना है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, आप एक ही जगह पर रहते हैं, तो आपको ये दोनों जगह पर एक ही जैसा ही सेम एड्रेस लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है, इससे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, राशन कार्ड संख्या या परिवार आईडी संख्या, ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है। अगर आपके पास राशन कार्ड संख्या परिवार आईडी संख्या है तो लिख दीजिए, और नहीं है तो ये कोई जरूरी नहीं है, आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है, इससे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि दिव्यांग है, तो यहां पर आपको अपनी दिव्यांगता सेलेक्ट कर लेना, यहां पर परसेंटेज, ठीक है, और दिव्यांगता भत्ता अगर आपको कोई मिलता है तो वो यहां पर आपको लिख देना है, अगर नहीं मिलता है तो जीरो लिख दीजिए, ठीक है। यहां पर प्रमाण पत्र संख्या भी आपको लिखना पड़ेगी अगर आपके पास पीएच कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तब, ठीक है, यहां पर आपको आवेदन संख्या भी लिखना होगी, ठीक।
तो ये पीएच कैटेगरी के लिए हो गया। बाकी इसके बाद ये जो कैप्चा कोड है इसे आप यहाँ पर लिखेंगे, इस बॉक्स में टिक लगा देंगे और दोबारा से अपडेट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप अगले ऑप्शन पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको अपनी बैंक की डिटेल्स फिल करना होगी। कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि बैंक की डिटेल्स कहाँ पर फिल करें, तो भैया देख लीजिए बैंक की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना है। कई सारे स्टूडेंट्स को बैंक की डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन नहीं हो रहा है, तो ये देख लीजिए बैंक का विवरण आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना बैंक चूज कर लेना है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आप उस बैंक को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जिस भी जिले में आपका अकाउंट है उस जिले को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आप किसी भी जिले की बैंक को लगा सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम या समस्या होने वाली नहीं है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिस जिले में आपका कॉलेज हो उसी जिले में आपकी बैंक हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपका घर चाहे इलाहाबाद में हो, आप चाहे बरेली में पढ़ाई करते हो, आपका घर चाहे रामपुर में हो, आप चाहे वाराणसी में पढ़ाई करते हो, आप कहीं की भी बैंक लगा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर जो ब्रांच जिस जगह पर है, ठीक है, यानी कि जो बैंक है वो जिस जगह पर है उस जगह को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर लिख देना, दोबारा से अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो आईएफएससी कोड है ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा और यहाँ पर आपको अपना जो नाम है वो लिख देना है, जिसकी बैंक की पासबुक पे जो स्पेलिंग लिखी हुई है आपके नाम की, वही अपने नाम की स्पेलिंग यहाँ पर लिखना है। ये जो कैप्चा कोड है ये आपको यहाँ पर फिल करना होगा, इस बॉक्स में टिक लगाना होगा, बाकी आपको पता ही है। अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना रहता है। अगला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये आपके कोर्स की फीस नहीं है। ये चीज बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपके कोर्स की फीस नहीं है, ठीक है। जो फीस आपने कॉलेज में जमा की है वो फीस यहाँ पर बिल्कुल ना लिखें। ये 10 बार नहीं 100 बार आपको बताया जा रहा है। कई सारे स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से गलत फीस लिख देते हैं, तभी कॉलेज वाले उन्हें मार के भगा देते हैं, फिर वो रोते हुए आते हैं। तो ये चीज बार बार आपको बताई जा रही है। ये चीज, ये जो फीस है ये आप अपने मन से खुद से ना लिखें, क्योंकि ये वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क है, ठीक है। ये फीस जो है वो कॉलेज वाले आपको बताएंगे। आप कॉलेज में जाइए और उनसे पूछिए कि हमारे कोर्स की अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल जो फीस है वो कितनी है। कॉलेज वाले, टीचर, प्रिंसिपल, जो कुछ भी है वो आपको बता देंगे फीस, तब आपको यहाँ पर वो फीस आपको लिखना है। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो कॉलेज में कोर्स की फीस है, ठीक है, जो फीस आप कॉलेज में जमा करते हैं वही फीस वो स्टूडेंट्स यहाँ पर पेल देते हैं। तो ऐसा ना करें, ये फीस अलग है और जो फीस आप जमा करते हैं कोर्स की वो फीस अलग रहती है, तो अलग अलग रहता है दोनों चीज़ें, ठीक। तो जो कॉलेज में आप जाइए वहाँ से पूछ लीजिए कि नॉन रिफंडेबल फीस कितनी है हमारे कोर्स की, हमें स्कॉलरशिप फॉर्म में फिल करना है। कॉलेज वाले आपको बता देंगे कि आपके कोर्स की नॉन रिफंडेबल फीस इतनी है, वही फीस आप यहाँ पर ला कर पेल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, ये जो यहाँ पर कैप्चा कोड है इसे आप यहाँ पर लिख देंगे, इस वाले बॉक्स में टिक लगा देंगे और नीचे आकर आपको यहाँ अपडेट पर कर देना है क्लिक। इसके बाद आप अपने फॉर्म के अंतिम ऑप्शन पर आ जाएंगे, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर की जो क्वालिफिकेशन, तो सबसे पहले तो गत वर्ष का आपको परीक्षाफल सेलेक्ट कर लेना है, आप पास होना चाहिए, ठीक है, तभी फॉर्म को फिल करें। अन्यथा ये सारे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो इनमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जब आप बिल्कुल पास हो जाए तभी फॉर्म को फिल करें, तो हमने पास का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसमें कई सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। अब आप यहाँ पर समझ लीजिए वार्षिक परीक्षा प्रणाली क्या होता है, जिसमें एक साल में एक बार एग्जाम होते हैं, ठीक है। एक साल में एक बार अगर आपके एग्जाम हो रहे हैं तो आप वार्षिक परीक्षा प्रणाली को सिलेक्ट करेंगे। अगर एक साल में दो बार एग्जाम हो रहे हैं, यानी कि 6 महीने में आपके एग्जाम हो रहे हैं, तो वो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, तो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स सेमेस्टर प्रणाली को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोर्स सेमेस्टर सिस्टम के तहत संचालित हो रहा है, ठीक है, जिसकी अब जितने भी कोर्सेज यूनिवर्सिटी में संचालित हो रहे हैं, नए नए कोर्स, ठीक है, जितने भी नए कोर्स आ रहे हैं या फिर जो पुराने कोर्स हैं उन्हें भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सेमेस्टर सिस्टम में चेंज कर दिया गया है, जिसके बीए बीएससी बीकॉम वगैरह एमएससी एमकॉम वगैरह जितने भी नए स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया उनके कोर्स जाता है अब सेमेस्टर सिस्टम के तहत ही संचालित हो रहे हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो एक बार कॉलेज में कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, पता कर लीजिए कि हमारा जो कोर्स है वो सेमेस्टर वाला है या फिर वार्षिक वाला है। अगर आपके वार्षिक एग्जाम होते हैं एक साल में एक बार, तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके 6 महीने में एग्जाम होते हैं, एक साल में दो बार एग्जाम होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम होता है, तो सेमेस्टर वाले नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने ये वाला, गत वर्ष की अंक प्रणाली। इसमें भी स्टूडेंट्स कंफ्यूजन होते हैं, तो इसमें भी आप समझ लीजिएगा। अगर आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, मार्क्स मिलते हैं, ठीक, आपके रिजल्ट में मार्क्स लिखे हुए आते हैं, जिसके 100 में से आपके आए 51 मार्क्स या आपके आए 50 मार्क्स या 68 मार्क्स, ऐसे मार्क्स लिखे हुए आते हैं, ठीक है, रिजल्ट में आपको अंक लिखे हुए मिलते हैं और आपकी वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, एक साल में एक बार एग्जाम होते हैं और मार्क्स लिखे हुए मिलते हैं रिजल्ट में, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला ऑप्शन आपके सामने बता रहा है कि CGPA प्रणाली, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके रिजल्ट में CGPA लिखा हुआ रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पहले वाला तो आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया होगा, जिसमें आपने वार्षिक प्रणाली सिलेक्ट की होगी या फिर सेमेस्टर प्रणाली सिलेक्ट की होगी, आप उसे भूल जाइए। अब अगर आपके रिजल्ट में CGPA लिखा हुआ आता है, यानी कि ग्रेड टाइप का CGPA लिखा हुआ आता है, अंक लिखे हुए नहीं आते हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग अंक जो होते हैं, जिसके 100 में से 50 हो गए या 70 हो गए, 80 हो गए या फिर 60 हो गए, 55 हो गए, 68 65, इस तरह से अंक लिखे हुए नहीं आते, वहाँ पर CGPA लिखा हुआ आता है आपके रिजल्ट में, ठीक, तो वहाँ पर आपको CGPA प्रणाली को सिलेक्ट कर लेना। अगर CGPA के बदले SGPA प्रणाली लिखा हुआ आता है तो SGPA प्रणाली को सिलेक्ट कर लेना है। अब आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, ठीक। तो यहाँ पर वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली और ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो चीज़ है ये आपको प्रीवियस ईयर के रिजल्ट वाली फिल करना है। ये नहीं कि आपने नया एडमिशन जिस कोर्स में लिया हो उस कोर्स की डिटेल्स यहाँ पर फिल करने लगे, ऐसा नहीं है। आप जो कोर्स को पास करके आए हैं भी उस कोर्स में जिस तरह के अंक आपको मिले हो, उसमें वार्षिक परीक्षा प्रणाली रही हो या CGPA प्रणाली रही हो, तो उस कोर्स की डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है, ना कि जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं इस कोर्स की डिटेल्स आपको ये फिल नहीं करना है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक।
तो इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि गत वर्ष यानी कि पिछले वर्ष का आपको जो प्राप्तांक था, रिजल्ट में कितने नंबर आए थे पिछले साल आपके, वो नंबर यहाँ पर लिखना है। टोटल रिजल्ट आपका कितने नंबर का था पिछले साल का, पूरे एक ईयर का, ठीक है, वो यहाँ पर लिखना है। परसेंटेज आपको नहीं लिखना, ये अपने आप से आ जाएगी, अच्छी बात है। चलिए उसके बाद पिछला कोर्स जो आपने कंप्लीट किया है, ठीक है, या ईयर कंप्लीट किया है, साल कंप्लीट किया है, वो कौन से कॉलेज से किया है, उस कॉलेज का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने है, इस कैप्चा कोड को आप इस वाले बॉक्स में यहाँ फिल करेंगे, इस वाले बॉक्स में इधर टिक लगा देंगे। और अब आपको पता ही है, बार बार तो बताना है नहीं, 10 बार बता दिया गया होगा, इस पर अपडेट करना है। जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं। आवेदन पत्र को पूर्ण करने हेतु अगला चरण जो है वो फोटो अपलोड करें, ये वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। बिना फोटो के आवेदन पत्र पूर्ण नहीं माना जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब ढूंढते हुए फिरेंगे फोटो किधर अपलोड करें, अरे भाई फोटो किधर अपलोड करें, फोटो अपलोड करने का तो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है। तो अब आपको जाना है इस होम वाले ऑप्शन पर, ये जो होम का बटन है इस पर अब आपको क्लिक कर देना रहता है। तो जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो अब आप देख लीजिए आपका जो फोटो वाला ऑप्शन है ये अपने आप से बिल्कुल ग्रीन टिक हो गया होगा, आपको बिल्कुल मजा आ गया होगा, ठीक है। आप फोटो वगैरह आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने जो आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन किया है, ठीक है, डिजी लॉकर के माध्यम से, तो आपके आधार कार्ड वाला जो फोटो है वो अपने आप से यहाँ अपलोड हो चुका है, ये फोटो अब आपको अपलोड नहीं करना है। तो इतना सारा काम आपको इस वीडियो में बता दिया है, ये वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो चुकी है, ज्यादातर चीजें इस वीडियो में देखने के लिए मिल चुकी है। अगले की जो वीडियो है इससे अगले की वीडियो आपको अलग से बनाकर दी जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को पसंद करेंगे आप और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस कॉल से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।